वोडाफोन आइडिया में क्या अभी खरीदने का मौका चल रहा है? आइए चलकर विश्लेषण करते हैं और देखेंगे क्या है लेटेस्ट खबर आपके लिए। सबसे पहले अगर खबर की बात करें तो देखिए, वोडाफोन आइडिया की गिरावट तो चल रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कस्टमर। इस बार करीब 1.5 मिलियन कस्टमर लूज हुए हैं, जहां ऑलमोस्ट इतने कस्टमर इंक्रीज हुए हैं एयरटेल के। तो वोडाफोन आइडिया का नुकसान भारतीय एयरटेल का फायदे के बराबर चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट यहां पर स्टेबल आएगा, क्योंकि एक बार फिर से देखिए, जियो ने ज्यादा कस्टमर लूज किए हैं। जो पहले कस्टमर वोडाफोन के छूट के जा रहे थे, वो सारे के सारे जियो में जा रहे थे। अब ये अपने खुद के कस्टमर लूज करने लगा है, क्योंकि सबका भाव बराबर है, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो अब अच्छा काम करेगा। अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर वोडाफोन आइडिया की 4G सर्विस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास इतने सारे 4G के नेटवर्क कनेक्शन सर्कल्स में अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए इनको चाहिए फंड्स, जिसके लिए इन्होंने 14,500 करोड़ रुपये का फंडिंग का अप्रूवल की बात की है। 4,500 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, 10,000 की फंडिंग एक्सटर्नल सोर्सेज से बात चल रही है। जैसे ये खबर होगी तो ये स्टॉक काफ़ी तेजी से ऊपर चढ़ेगा, और अपनी CSR और सपोर्ट जो कर रहे हैं हिंदुस्तान को, उससे भी इनको नया सोर्स ऑफ रिवेन्यू मिलेगा। देखिए, भारत में बहुत ज़्यादा डिमांड है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की, और साथ साथ में टेक्निकल स्टडीज़ की, जिसके बेसिस पर नवयुवकों को रोजगार मिल सकता है। तो इस सब के चलते हुए इन्होंने अपना जॉब एंड एजुकेशन ऐप लॉन्च किया है, जिस पर नवयुवक चाहें तो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और ये यूथ ऑफ भारत को हेल्प करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से प्रिपेयर फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ये टारगेट रहेगा इनका। इंग्लिश स्किल्स एंड एक्सेलेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कराएंगे। तो उस हिसाब से लोग वोडाफोन आइडिया का, नए जमाने के लोग वोडाफोन आइडिया के सर्किट को, अपना कनेक्शन को लेंगे। 4G एक्सपेंशन प्लान बढ़े तो इनका बढ़िया बन जाएगा। हमारे हिसाब से 9 से 10 रुपये के बीच में बहुत बढ़िया बेस बना हुआ है इसका, आपको अक्यूमुलेट करने की रिकमेंडेशन है। इस स्टॉक को बहुत अच्छा टेक्निकल सेटअप बन रहा है। अगर देखें तो 9.95 रुपये के आसपास आज भाव चल रहा है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम था 11.50 रुपये तक, और अब फिर से ये 10 रुपये के आसपास आ गया है। अगर आप पिछली बार भी देखें तो यहाँ पर इसने करीब 9.5 से 10 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर भी एक बार सपोर्ट लिया है। तो कई बार इसने सपोर्ट लेकर ऊपर चलने की कोशिश करना एक अच्छा बुल फेज का शुरुआत होने की इंडिकेशन होती है स्टॉक में। 5 पैरामीटर देखेंगे अपने। अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज का 10.35 रुपये के आसपास है, उसके नीचे है, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा और फिर ऊपर चलने की शुरुआत करेगा। अगर बुलिंजर बैंड को देखें तो बैंड के नीचे के हिस्से में है, बैंडविड्थ करीब 15 के आसपास है, तो धीरे धीरे ये कंसोलिडेट करेगा 10.25 रुपये से लेकर यहाँ पर 10.5 से लेकर 10 के बीच में कंसोलिडेशन करेगा, बैंड नैरो होगा और फिर ऊपर जाने की शुरुआत करेगा। तो एकदम जल्दी में ऊपर नहीं जाएगा अनलेस अंटिल 4G का यहाँ पर प्लान हो। 9.65 रुपये का भाव है सुपर ट्रेंड के सपोर्ट का, RSI 43 जो कि स्लाइटली नेगेटिव बायस है। मैकडी ने भी इसको सेल सिग्नल जनरेट किया हुआ है, पर मोमेंटम काफ़ी कम है सेल सिग्नल का। तो अगर आपको हमारी कॉपीज करनी है सारी की सारी ट्रेड, तो 299 का पैकेज ले सकते हैं। प्लीज़ कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। जय हिंद।